गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ गाइस। तो आज है शिवरात्रि, तो आपको शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं और आप सबको हर हर महादेव गाइस। तो कल वाले व्लॉग में देखा होगा आपने, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, पेट में ज़्यादा ही दर्द था, लेकिन अब थोड़ा सा आराम है गाइस, हल्का फुल्का। तो अभी उठे हैं, लेट हो गए हैं, 7:15 का टाइम हो गया है, और अभी जल्दी से काम करेंगे और मंदिर चलेंगे और महादेव के दर्शन कराऊंगी मैं आज आपको। और मम्मी है, गाय को रोटी वगैरह दे रही है, बस उठे ही है, अब मैं उठ के बाहर ही आई हूँ और अब करेंगे अपना काम गाइस पहले, और फिर चलेंगे मंदिर में, पूजा करेंगे सूर्य देवता। उठने में आज मनु तो अभी तक ये देखो सो ही रहा है। लगा दिया पानी, लगा दिया। ठीक है गाइस, अभी पानी वगैरह लगा दिया मैंने, नहाऊंगी मैं पहले, फिर मिलते हैं आपको थोड़ी सी। मंदिर की तैयारी हमने कर ली है और सारा सामान रख लिया है, और इसमें टोकरी में भी है और उधर इधर थाली भी तैयार कर ली है, जल है और गाय का दूध ये राधे से दही भी है। और मम्मी को देख लीजिए आप कैसी लग रही है। राधे राधे, आज व्रत है, बहुत सारी शुभकामना सबको, राम राम। गाइस चलो मंदिर में चलते हैं अभी, और मंदिर में करवाती हूँ भगवान शिव के दर्शन। और ये सूट लेके आई थी मैं, उस दिन मम्मी के साथ गई थी, तो बताना आप कैसा लग रहा है ये सूट। फिटिंग विटिंग नहीं की है, टाइम ही नहीं लगा, तो मैंने इसको ऐसे ही पहन लिया। ये देखो कितना लूज है, लेकिन मैंने पहन लिया, मैं पहन लेती हूँ ऐसे ही। तो चलो मंदिर चलते हैं गाइस। Thank you.
तो गाइस अभी आ गए हैं मंदिर से पूजा करके और बहुत मजा आया पूजा करके बहुत ज्यादा। पता है जब हम गए थे ना इतनी भीड़ थी, इतनी जगह नहीं, मैं आपको दिखाई हुई थी वीडियो में, बहुत ज्यादा भीड़ थी। और जैसे ही हम पूजा करने लगे मैं कह रही हूँ भोलेनाथ भीड़ को कम कर दे कि शांति से पूजा कर सके अपनी, तो बिल्कुल खुला हो गया, बिल्कुल शांति से हमने आराम से बैठ के पूजा की, बहुत अच्छा लगा। और कौन कौन आज महाशिवरात्रि का व्रत कर रहा है तो कमेंट कीजिएगा, और मुझे भी तो पता लगे कि किस किस ने किया है आज व्रत। तो हमने व्रत किया आज महाशिवरात्रि का। भोलेनाथ आप पे कृपया बनाए रखे और आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण हो, और जो कुछ भी आप बीमारियों से जूझ रहे हैं वो दूर हो जाए। भगवान शिव से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी YouTube फैमिली मस्त रहे, स्वस्थ रहे और अच्छे से खुश रहे बस। और ये देखिए गाइस मेरा सूट कितना खुला है, ये देखो, नहीं तो मैं इतनी इसमें मोटी लग रही होंगी, लेकिन मैंने पहन लिया कि नया है तो मैं आज यही पहनती, कोई बात नहीं, मुझे कुछ ऐसा नहीं लगता कि ये नहीं पहनना, खुला है रोल मैं पहन लेती हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। और मम्मी कर रही है अब कानू जी को नहला रही है, क्योंकि हम सुबह जल्दी चले गए थे मंदिर कि फिर ज़्यादा भीड़ हो जाती है बीच में जाते हैं तो, लेकिन जब हम गए तो बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा, हमने नहीं पता था कि नंबर भी आएगा, लेकिन जैसे ही गए पूरा खाली हो गया था और आराम से पूजा की हमने, बहुत मजा आया गाइस, बहुत ज्यादा। ये देखिए मम्मी कर रही है पूजा, कानू जी को नहला रही है, स्कूल जाने से पहले मंदिर जाके आता है, देखो ऐसा बच्चा कहीं पे मिलेगा, पहले जाता है मंदिर फिर जाता है स्कूल, वेरी गुड। तो यही आदत सदा रखना, ठीक है? ओके। अभी बना रहे हम चाय पियेंगे, क्योंकि चाय नहीं पी है तो अभी पियेंगे, और मम्मी बना रही है गर्मा गर्म चाय, तो आ जाओ गाइस चाय पी लो। और मन्नू देखो क्या डॉन बन रहा है, कैसा लग रहा है मन्नू, आप बताते नहीं हो, इसको बुरा लगता है, फिर बता दिया करो। तो आ जाओ गाइस चाय पीनी है तो जल्दी से आओ, बाकी किस किस को चाय पसंद है चाय ले लेते हैं। अभी गाइस ये भी आ गए हैं और इनने भी आज व्रत किया है, तो देते हैं कुछ खाने पीने का। राम राम सबको, अच्छे से लाइक किया करो, शेयर किया करो, बढ़िया से चैनल को बढ़ाओ, पूजा का हेल्प करो सब मिलके, राधे राधे। तो गाइस ये लेके आए हैं अभी केले, और ये तो सब्जियां हैं इधर, तो इनको मैं केले दे देती हूँ, और मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि मुझे क्या अच्छा नहीं लगता गाइस, और इनको दे देते हैं केले क्योंकि इनको लगती है काफी भूख, और आज ही किए हैं ये व्रत, बीच में नहीं करते थे, बीच में क्या करते ही नहीं थे कभी, तो आज किए हैं व्रत, तो इनको दे देते हैं अभी केले, तो दे देते हैं गाइस उनको जल्दी से फ्रूट, क्योंकि कम ही आधे घंटे का होता है उनका, और आने में और जाने में भी टाइम लगता है, थोड़ा बहुत फ्रूट लिए हैं, तो जल्दी से उनको दे देती हूँ और फिर मिलती हूँ मैं आपसे। चुका है 2:30 बज गए, हम फिर से आ गए शिव मंदिर में, क्योंकि आज शिवरात्रि है ना तो पूरी गंदगी हो गई, तो हम झाड़ू पोछा करने आए अभी शिवरात्रि में, देखो अभी भी पूजा ही कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है, तो झाड़ू पोछा करके जाएंगे गाइस। अब आपके भी आसपास कोई मंदिर है तो प्लीज़ आज के दिन आप भी पूजा कीजिएगा, कभी भी कर सकते हो आप शिव मंदिर में, थोड़ी सी पूजा किया करो, मतलब थोड़ी सफाई करके आया करो। देखिए गाइस पूरा झाड़ू पोछा कर दिया है इधर, और यहाँ से भी बिल्कुल साफ कर दिया है, ये देखिए आप, इनका क्या करोगे आप, घर ले जाओगे। तो गाइस आ गए हैं मंदिर से, अभी आए हैं, तो मैं अभी खाऊंगी थोड़े से अंगूर, लाइट आ रही है और जा रही है ऐसे कर रही है, तो अभी अंगूर खाऊंगा गाइस, बहुत गर्मी थी, लाल मुंह हो गया होगा मेरा, ये देखिए आप। तो अब मैं यही कहती हूँ आपको, आसपास जो भी मंदिर है ना आपके, तो थोड़ी सी डेली किया करो सफाई, बहुत अच्छा होता है, भगवान शिव आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे, तो थोड़ा सा मेरे कहने से जाके देखना एक बार आप, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो गाइस मम्मी कर रही है अभी किचन में काम, शाम का टाइम हो गया है, दूध वगैरह गर्म कर रही है और बनाएगी शाम के और आलू का हलवा, क्योंकि उनको शाम के खाने हैं और मुझे खाना है आलू का हलवा, तो अभी बनाएगी मम्मी, कैसे बनाएगी शाम के, तो देखो ये रखे हैं, खोल दिए हैं, और मैं कर रही हूँ अभी काम थोड़ा सा, और ये रख, वाह मम्मी वाह,
डॉक्टर और दूध, और मनु ने खाई है मैगी जो थोड़ी बहुत छोड़ के चला गया है। अभी मम्मी कर लेते किचन में काम, और शाम का टाइम हो गया है और मैं अभी सील रही हूँ गाइस सूट, और कपड़े वगैरह मैंने कर लिए हैं चेंज क्योंकि मैं काफ़ी परेशान हो गई थी उसमें, सारा दिन से मैं पहन रही हूँ। लेकिन अभी मैं एक सूट तो सिल दिया, दूसरे पे लग गई, तो सूट सिल रही हूँ। और अभी आए हुए थे कस्टमर, जो सूट डाल के गए वहीं पड़े हैं, और मम्मी कह रही कि मैं बना लूँगी तू अपना काम कर ले। तो मम्मी आने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है गाइस, बहुत ज़्यादा काम कमी करती हूँ मैं सिलाई का या अपने वीडियो का, इस काम में लगी रहती हूँ, ये सब कर लेती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सबकी मम्मी ऐसे ही काम करवाती हैं, मेरी बहुत मदद करती है मेरे काम में, बहुत ज़्यादा हेल्प, मेरे से पहले उठती है, चाय और गर्म पानी मुझे बेड पर मिलता है गाइस। मेरी मम्मी ऐसे करती है, सुबह बेड पर ही आ जाता है मेरा जब तक मैं उठती नहीं, मुझे सबसे लेट उठाती है कि नहीं सोने दे। मनु का भी लग कई बार तो टिफ़िन तैयार कर देती है जब मुझे उठाती है, सारा दिन अपने आप ही काम करती रहती है, बहुत अच्छा लग रहा है। और आप ये बताना मेरा चूड़ा कैसा लगा आपको, ठीक है, ज़रूर बताना। और हाँ, आज मैंने ग्रीन टी वगैरह नहीं पी गाइस, क्योंकि मैं व्रत में नहीं पीती हूँ ग्रीन टी वगैरह, मेरा मन ही नहीं हुआ, आज कुछ खाया ही नहीं, बस अंगूर खाए थे वो, तो फिर मेरा मन ही नहीं किया कि भाई मैं कुछ खाऊँ पीऊँ, नहीं मन कर रहा, पानी भी मैं इतना नहीं पी रही हूँ, और यही रूटीन रहा है आज का मेरा। तो अभी बना लेती है मम्मी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी बनने के बाद। हलवा भी बन के तैयार है आलू का, और इधर शाम के भी बना दिए मम्मी ने, गुड़ डाला इसमें, मीठे शाम के बनाए हैं क्योंकि वो महिपाल जी खाएंगे, वो ऐसे नहीं खाते, मिठाई खाएंगे और उनको पसंद भी है, वो खा लेंगे। ये सब बन के तैयार है, तो गाइस मैं भी खा लेती हूँ, अभी टाइम हो चुका है खाने का। तो गाइस मैंने डाल लिया है अपना प्रसाद, तो आ जाओ खाते हैं जल्दी से। तो गाइस खाना पीना सबका हो गया है, और बर्तन वगैरह मैंने साफ कर दिया, देखो हाथ भी गीले ही हैं मेरे, अभी साफ भी नहीं किए, और सबका हो गया, अच्छे से खा पी लिया। और आज का दिन बहुत अच्छा गया गाइस, बहुत अच्छा मज़ा आया, पूजा पाठ में भी, मंदिर में मैं 3 से 4 बार जाके आई, क्योंकि मेरे तो सामने ही है, तो मैं काफ़ी बार जाके आई, भगवान शिव की आज इतनी याद आ रही थी कि जाएं बार बार, बहुत अच्छा लग रहा था। तो 3 से 4 बार गई मैं, और अभी मेरा मन हो रहा है कि मैं एक बार और जाऊँ भगवान शिव को मिल के आऊँ, तो बहुत अच्छा लगा गाइस। और आपको कैसा लगा, आपका दिन कैसा रहा, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और आज की वीडियो रखते हैं यहीं तक, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक करना, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को शेयर करना। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ, और अपना ध्यान रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, ठीक है। बाय गाइस, कल फिर आऊँगी मैं।